गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 6 इन हिंदी रीडर, दोहे। बेटा इस लेसन में हम दोहे पढ़ेंगे जो कि तुलसीदास जी ने, कवि कबीर दास जी ने और रहीम दास जी ने कुछ दोहे लिखे हैं और दोहों के द्वारा उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को हमें बताया है और दोहों के अर्थ को जब हम स्पष्ट करते हैं, जब हम समझते हैं तो उसमें एक गहरा अर्थ हम देखते हैं। तो इसमें आपके ये दोहे दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है आगे कि किस किस कवि के ये दोहे हैं। इसमें कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का और रहीम दास जी के मिक्स दोहे हैं, तो इसे आज हम रीड करेंगे लेसन को। फर्स्ट है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़ै खोट। शिष होता है शिष्य, कुंभ होता है घड़ा, गड़ी गड़ी काड़े खोट, काड़े मीन्स निकलता है और खोट मीन्स दोष। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाह्य चोट। अंतर होता है भीतर, तो इसका हम अर्थ देखेंगे। बेटा मैंने आपको समझाने के लिए और मैंने इन्हें आपको ये लर्न करने के लिए मैंने लिखा है जहाँ से कि मैं आपको समझाऊँगी और आपको इन्हें लर्न भी करना है, ओके। देखिए मैंने लिखा है, अब इसमें है कि प्रस्तुत दोहा जो है वो शिरोमणि कबीर दास जी संसारी जीवों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु मीन्स मतलब गुरु जो है, हमारा जो टीचर है, गुरु है वो कुम्हार है और शिष्य कुंभ है। शिष्य कौन है? वो मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। अब किस तरह से? अब जैसे गड़ी गड़ी काड़े खोट, जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंतर हाथ सहार दे, बाहर भाइये चोट। कि जिस तरह से घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारता है। देखिए जब ये घड़ा बनाता है कुम्हार, तो वो बाहर से हाथ को रख करके और अंदर से वो उसको थाप मारता है कि वो अच्छे से पक जाए। ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर एक जो गुरु होता है वो भी अंदर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्माननीय बनाता है। सेकंड है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तो रोचत काए, तोरो मीन्स तोड़ो, जोरे तो फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ी जाए। जुरे मीन्स जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है। इसका समझेंगे हम कि प्रस्तुत दोहा रहीमन, मतलब ये रहीम जी ने लिखा है कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर, मीन्स गुस्से में आकर, प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो हमारा प्रेम का जो एक दूसरे संबंध होता है उसे हमें थोड़े से गुस्से में आकर कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार धागा टूट जाए तो पहले तो जुड़ता नहीं। आपने कभी भी देखा है कि कोई भी धागा अगर टूट जाता है, कोई सिंपल जो धागा होता है उसे जोड़ने के लिए भी उसमें गांठ लगानी पड़ती है, जुड़ता नहीं। और अगर जुड़ भी जाता, जुड़े गांठ पड़ी जाए, जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो अगर हमारा कोई संबंध भी है अगर किसी मनुष्य से, तो वो भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो टूट जाता है तो दिलों में गांठ पड़ जाती है, ठीक है। थर्ड है हमारा, तुलसी इही संसार में, भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चल चालिए, नदी नाव संजोग। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी इही संसार में, इह मतलब इस, भांति भांति के लोग, सबसो मीन्स सबसे, हिलमिल चालिए मिलजुल कर, नदी नाव संजोग, संयोग से। इसका अर्थ देखेंगे हम। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग, मीन्स तरह तरह के लोग रहते हैं, आप सबसे हंसकर मिला करिए, सबसो हिलमिल चालिए मीन्स सबसे हंसकर मिला करिए, और जैसे नदी नाव संजोग, जैसे नाव नदी से संयोग करके पार लगती है। जब नाव नदी में ही जाती है तो वो नाव के साथ संजोग करती है, मिलती है, तभी ही वो दूसरे कोने पर दूसरे पार लगाती है। वैसे ही आप भी इस भव सागर को पार कर लीजिए, मीन्स अगर हम सभी लोगों से मिलकर हंस कर चलेंगे, हंस कर बात करेंगे, तभी ही हम इस संसार को, अपने जीवन रूपी संसार को पार कर लेंगे। फोर्थ है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब ये भी जो आगे के हैं, ये भी कबीर दास जी ने लिखे हैं। ये चारों जो आगे के हैं, ये चारों ही कबीर दास जी के दोहे हैं।
अब इसमें कवि कहते हैं कि कबीरदास जी यह समझा चाह रहे हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना, मतलब अपने मन में धीरज रखिए। अगर कोई माली, मतलब धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़े ऋतु आए फल होए। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। मतलब क्या है कि अगर हमें, अब हम ये कहें कि हमें किसी बात की जल्दी हो रही है और अगर हमने कोई पौधा लगाया, हम उसमें एक ही दिन में 100 घड़े पानी दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अगले दिन ही हमें फल दे देगा। तो हमें हर चीज़ के लिए हमें धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि फल तो जो है वो समय आने पर ही उसमें लगते हैं। अर्थात हमें हर काम का एक नियमित गति से ही हर एक काम को करना चाहिए। आगे है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं मतलब प्रभु, जामे मतलब जिसमें, कुटुंब परिवार, समाए भरण पोषण, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप मुझे इतना दो कि जिसमें मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके, मैं खुद भी पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करवा सकूं। नेक्स्ट है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारा हवे संचरे साले सकल शरीर। औषधि मीन्स दवाई, कटुक मीन्स कड़वे, वचन मीन्स बोल, श्रवण होता है कानों के द्वारा, साले मीन्स भेदता, सकल सारे शरीर शरीर। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि मधुर बोली, मधुर जो हमारे वचन होते हैं बोले गए, वो उस दवा की तरह काम करते हैं जो रोगी को निदान करती है, मीन्स रोग से दूर करती है। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्द कान के द्वार से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। जब भी हम कोई बुरा सुनते हैं, वो अपने कानों से सुनते हैं, तो जब हम अपने कानों से सुनते हैं कोई भी बुरे शब्द, वो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए कि सकारात्मक विचार पाने के लिए वाणी में माधुर्य आवश्यक है। मतलब हमें अपने वाणी को मीठा करना चाहिए, हमें कुछ बुरे बोल नहीं बोलने चाहिए, परंतु हमें सकारात्मक विचार बनाने के लिए हमारे अपने भी सकारात्मक विचार होने चाहिए और जिनसे हम बात करते हैं उन्हें भी अगर हमें सकारात्मक बनाना है तो हमें मधुर वाणी बोलनी आवश्यक है। लास्ट है इसमें, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोए, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोए। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैंने इस संसार में बुरे लोगों को खोजा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोए, जब इस संसार में बुरे लोगों को खोजा तो मुझे कोई भी बुरा आदमी नहीं मिला। जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोए। तो कवि कहते हैं कि परंतु जब मैंने अपने अंदर झांका तो पाया कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई भी नहीं है। तो जब हम दूसरों को बुरा कहते हैं या हम दूसरे लोगों की बुराइयों को खोजने लगते हैं, तो जब उन्होंने खोजा तो उन्हें कोई भी बुरा नहीं लगा, लेकिन जब हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी बुराइयाँ हमें दिखाई देती हैं और हमें लगता है कि हमसे बुरा कोई भी नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि जब उन्होंने अपने अंदर झांका तो उन्होंने पाया कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई भी नहीं है। तो बेटा, आपको ये दोहे अच्छे से पढ़ने हैं, इनका अर्थ समझना है और आपने इन्हें लर्न करना है। ओके, तो आपका जो होमवर्क यही रहेगा कि आपको ये लर्न होने चाहिए और लेसन रीड करना है और इनके अर्थ भी आपको अच्छे से समझने हैं। ओके, थैंक यू।